मुझे तुमसे अर्जेंटली बात करनी है। मैं कह रही थी कि मेरे घर पे मेरी फैमिली बेबी पापा के लिए ऑडिशन करना। ना भाई मैं नहीं, आई मीन यू नो बेबी, तुमने सुना नहीं, तुम्हें अनेरी के लिए ऑडिशन करना है। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। क्या? मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। You're leaving this job? Yeah, I'm sorry, पर मुझे ये No. ऑडिशन चल रहे हैं, मेन कास्ट डिसाइड हो रही है, और सारा लाइनअप तुमने किया है। तुम चली जाओगी तो ये सब मैनेज कौन करेगा? You can't go, I'm sorry. पर दिया मेरी बात तो सुनो। अरियोली मैं अभी कुछ नहीं सुन सकती बेबी। बेबी तुम नहीं जानती ये प्रोडक्शन मिखेल के लिए क्या है। अपने करियर का सबसे बड़ा रिस्क ले रहा है वो, पर सोलमेज का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। अगर शुरू में ही कमी रह गई तो बाद में बहुत महंगी पड़ सकती है। बॉटम लाइन इज यू कैन नॉट लीव द जॉब। सी, तुम मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रही? अगर मेरे पास कोई ऑप्शन होता, कोई चॉइस होती तो मैं ऐसा नहीं करती। क्या प्रॉब्लम बताओ मुझे। नो आई कांट से, वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम हमारी प्रोफेशनल प्रॉब्लम बन रही है बेबी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एटलीस्ट एक एक्सप्लेनेशन तो बनती है ना। वो मेरी मेरी फैमिली डांस के फेवर में नहीं है, और अगर उन्हें पता चला कि मैं डांस एकेडमी में जॉब कर रही हूँ तो शायद मेरा घर से बाहर निकलना भी बंद कर दे। तो तुम इतने दिन से ये जॉब कैसे कर रही हो? झूठ बोल के। माय गॉड, रियली? आई थॉट समर जॉब करके पापा के लिए कोई स्पेशल गिफ्ट लूंगी। तो जॉब क्यों छोड़ना चाहती हो? क्योंकि अब मैं और झूठ नहीं बोलना चाहती। आई कांट लाई, आई रियली कांट। बेबी तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, तुमने अपनी प्रॉब्लम तो बता दी। व्हाट अबाउट अस? मेन लीड के ऑडिशन चल, और तुम्हें पता है अजय एकदम से बिल्कुल सब कुछ संभाल नहीं पाएगा, और यहाँ सब कुछ मैं सब हो जाएगा। आई नो दिया, पर बार बार कुछ नहीं बेबी, जस्ट आंसर मी वन क्वेश्चन। जो तुम कर रही हो क्या वो फेयर है? देखो बस कुछ ही दिन की बात है, ऑडिशंस खत्म होते तुम निकल जाना, नो प्रॉब्लम। अपने लिए नहीं तो मेरे लिए, निखेल के लिए। Appreciate it. Thank you so much. अब तुम्हारे लिए मेरा एक और फेवर ड्यू है। चलो, let's do this now. Come. Yeah. मैंने तुमसे जो भी कहा है, वो प्लीज किसी को मत बताना। Don't worry. तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास सेफ है। Come guys. कूल है यार, तुम कुछ लोगे? समथिंग कोल्ड? ना ना थैंक यू,
तुम यहाँ अकेली रहती हो? हाँ। और अब ये धकेली रही क्योंकि मेरे आने से इसके घर में और भी कलर आ गया। अच्छा सुनो, वहाँ किचन है, अंदर एक कमरा है, सो मेक योरसेल्फ एट होम। तुम्हारे मॉम डैड गोवा में नहीं रहते? नहीं। कहाँ रहते? क्यों रे, पासपोर्ट बनाएगा इसका? घर में आते ही इंक्वायरी करने लगा। मैं तो बस ऐसे पूछ रहा था। ऐसे वैसे कुछ नहीं, तो इसके ऊपर लाइन मार रहा है। पर एक बात अपने दिमाग में फिट कर लेना, जब तक मैं आऊ ना, तेरे लिए यहाँ पे नो एंट्री है। पूछो क्या पूछना है। तुम्हारा लेटेस्ट क्रश? लेटेस्ट? यू थिंक आई एम अ फ्लर्ट ना? एनीवे, अब पूछ ही लिया है तो जो पहले था वो आज भी है। निखिल, राइट? नो कमेंट्स। ओ कम ऑन यार, बताओ ना, क्या निखिल और तुम रिलेशनशिप में हो? नो, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। एनीवे, स्टॉप बीइंग नॉटी। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात नहीं करनी। ओके, तो प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। क्या मिखेल के नेक्स्ट प्रोजेक्ट में तुम मेन लीड हो? वेल, लेट्स जस्ट से कि सोलमेट्स की हीरोइन वही होनी चाहिए जो उसकी एक्चुअल सोलमेट है ना? नाउ इफ यू विल एक्सक्यूज मी, आई हैव माय रिहर्सल। या श्योर। किसी भी फैमिली इशू के कारण वो मेरे शो का लीड पार्ट छोड़ देगी? दिमाग ठीक है उसका? माइक प्लीज काम डाउन। तुम्हारे अकेडमी और प्रोडक्शन के बाहर भी एक दुनिया है जहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं। ठीक है, अब लेक्चर देने में टाइम वेस्ट मत करो, जाके उस इडियट को समझाओ। बोलो सुबह 9 बजे ऑडिशन पहुंचे। नो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। कल से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और तुम्हें तुम्हारे अनिल मिल जाएगी। सो नाउ जस्ट फॉरगेट बेबी। ओके पापा, 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 मेरा बच्चा। Happy to see you. कितना मिस कर रही थी आपको। I miss you too. अच्छा सुनो, तेरी समर जॉब के बारे में जानने के लिए मैं बहुत curious हूँ। मुझे ये बता कि तुम लोग करते क्या हो? समर जॉब? वो actually वो पापा वो है ना मैं वो एक्चुअली पापा मेरा ऑर्गेनाइजेशन का काम है, तो काफी लोग आते हैं वहाँ पे, उन सबसे मिलना, नाम लिखना, लिस्ट बनाना, फिर कौन पहले जाएगा कौन बाद में, तो बस यही सब। अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग गुरुद्वारे में सेवा देने आते हैं उनकी ड्यूटीज करनी पड़ती है तुम्हें, करेक्ट ना? जी पापा, ऐसे ही है बिल्कुल। फिर काम खत्म हो जाता है तो हम उसकी फाइल बना लेते हैं और नेक्स्ट डे की प्लानिंग भी कर लेते हैं। वेरी गुड। अरे तू बैठ खड़ी है। मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम्हारी एक स्पिरिचुअल साइड भी है। लेकिन तेरे इस मैनेजमेंट कैरियर में इस गुरुद्वारे वाली जॉब का कोई फायदा तो है नहीं? समर जॉब है, थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए ठीक है, आफ्टर ऑल इसका मेन टारगेट तो MBA करना है, और वैसे भी बहुत ही कम टाइम रह गया इसकी MBA के एग्जामिनेशन के लिए, तो डोंट लूज योर फोकस। हां नो पापा, मैंने उन्हें कह दिया है कि मैं जॉब छोड़ दूंगी, बस कुछ दिन जाना है फिर मैं पढ़ाई करना शुरू कर दूंगी। एक्सीलेंट, मैंने तो तेरी बुक्स भी ऑर्डर कर दी है ऑनलाइन, बस एक दो दिन में कोरियर से आ जाएंगी। थैंक यू पापा। मामा जी, अरे आ जाते, कैसे दू? एक मिनट पापा, मेरे पास एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या है इसमें?
मेरी फर्स्ट सैलरी इन एडवांस। सबसे बड़ा सरप्राइज, मैं आज रात को सबको डिनर पे लेके जा रही हूँ और इसके चीफ गेस्ट हैं पापा। क्योंकि वो जा रही है। She's quitting her job. डांस देख के कैसा लगा? क्या फील हुआ? I love it. कल से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और तुम्हें तुम्हारी अनिल मिल जाएगी। So now, just forget baby. उठ के नाचने का मन कर। हाँ, हर बार। हेलो हाय। ये हाय वाय क्या कर रहा है? ये बता कि बियर पे कोई डील है कि नहीं? सुनो, वीकेंड पर कोई डील नहीं होती। अरे यार, तो एक काम करना, तेरे बॉस को बोल के हमारे लिए 1-on-1 फ्री करवा दे। सुनो बिल्ली, प्लीज शट अप। हां, बेबी ने मामा जी के लिए स्पेशल डिनर ऑर्गेनाइज किया, तो उसके सारे प्रिपरेशन मुझे करने। प्लीज, अभी मेरा बिजी टाइम चल रहा है, तो बिल्ली प्लीज स्टॉप डिस्टर्बिंग मी। व्हाट? बेबी ने डिनर ट्रीट रखी है? या मेरे बिन नॉट पॉसिबल। Darling, what's a wonderful place, darling. There's nobody, I think. Good evening, ma'am. Good evening, good evening. Table for how many? How many people do you see now? Two. Yeah. Come, I'll give you a very nice table. Come. No, we don't want table. We want alcohol. We want food, right, darling? Nice joke, madam. Yeah. Then you are in the right place. Please. Yeah. Please. Come, come. So, ma'am. Come here. Yeah, ma'am. Do you have a beer for my boyfriend? Yes, we do. Surely we do. Which one would you like to have, sir? Yeah. I want to have 1-on-1 free beer. 1-on-1 free? Yeah. No, ma'am. We don't have such offer. काम कर, तेरे बॉस को बोल के हमारे लिए 1-on-1 फ्री करा दे। हाय सोनम, कहाँ है? कहाँ है जी? I'm great. वैसे मैंने आप लोगों के लिए परफेक्ट टेबल बुक किया। सोनम, तारा, तो जा जा, को 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 को। ये क्या है अमर? ये बेबी ने आपके लिए स्पेशली ऑर्डर किया है। झांकना बंद करोगी? रुक जाओ, मुझे दिख रहा है, मैं बताती हूँ। बोलो। अब बेबी के पापा केक काट रहे हैं। अब वो उसको केक खिला रहे हैं। कौन सा केक है? चॉकलेट केक है क्या? नहीं, आई थिंक ब्लैक फॉरेस्ट है। मुझे अभी केक चाहिए। नहीं सुनो, रुको। अमर ने कहा था ना, वो मैं बाद में ले आएगा छुपा के। लेकिन मुझे अभी खाना है। रुक जाओ, तू इशारा कर रही है कि नहीं? गुक्कड़ हो रही, रुक जाओ ना। ठीक है, मत कर, मैं खुद करती हूँ।
for a speech. पापा, मुझे आपसे एक बात कहनी है. आप जब भी मुझसे नाराज होते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है. आई प्रॉमिस यू पापा, आज से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको बुरा लगे. आई लव यू पापा. I love you a lot. Thank you so much. I'm so proud of you. Mama ji, I'll be back. This way. So, is this table okay for you? Yeah, this is good. Anyways, chal. See you guys. See you. की है ना? केक देना. मिकेल किधर? ये बेबी की तरफ जा रहा है ना? दीजिए ना प्लीज, दे दीजिए. वाओ, इसकी हाय विकी. अगर तुम्हें कोई लड़की नहीं मिली तो मैं अनेरी करूं. अगर मुझे मेरी अनेरी नहीं मिली तो मैं शो नहीं करूं. इट्स ब्यूटीफुल. जाओ ये पहन के. तुमसे सुन सुन के अनेरी को जैसे विजुलाइज किया था कुल वैसी ही लगती है. मुझे इस लड़की को अनेरी के लिए ऑडिशन करना ही है. जानती हो, जो मैं चाहता हूँ वो पाकर रहता हूँ. I'm sorry. मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ.